तो गाइस बहुत इंतज़ार करने के बाद जाके ये स्टैम्प मिला है, 5 मिनट लगा के 2-3 घंटे के बाद जाके मिला। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज जा रहे कॉलेज फिर से, अभी तक मेरा काम हुआ नहीं था, उस दिन मैम छुट्टी पे थी तो चले आए, कल गए नहीं थे, कल गए सर्टिफिकेट लेने नेशनल कॉलेज, तो आज फाइनली जा रहे। जब तक आज काम नहीं होगा, चाहे आज शाम क्यों ना हो जाए, जब तक नहीं आएंगे बिना काम हो के, अगर उधर काम हुआ तो फिर उसके बाद जाएंगे लाइसेंस बनवाने, फिर मिलते हैं गाइस आप लोग से कॉलेज में। तो गाइज अभी हम लोग कॉलेज के अंदर आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं ओ बिल्डिंग में। तो गाइज हम लोग ओ बिल्डिंग में आ गए हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी इन लोग को रिजल्ट देने में, तो चलते हैं गाइज ऑफिस में। तो गाइज ऑफिस में आने के बाद मैम से पता किए तो मैम बोल रही हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, नेट स्लो चल रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कॉलेज का नेट कब से स्लो चलने लगा है। अब तो सर बोल दे। तो गाइज हम लोग 11 बजे आए थे, अभी 3 बज चुका है, अभी तक हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। फाइनली गाइज हम लोग को 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी जाके हम लोग को रिजल्ट मिला है, तो अभी हम लोग जाएंगे मैम के पास। तो गाइज आज फाइनली हम लोग का काम हो गया है, तो फिर उसके बाद आज के बाद कभी नहीं आएंगे अब कॉलेज। अब जा रहे मैम से साइन लेना है, और साइन लेने के बाद आज ही काम हुआ तो आज ही तुरंत ला के सामने दे देता हूँ मैम को, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। तो गाइज अभी मैं मैम के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ अंदर क्या होता है। तो गाइज मैं फिर से 2 दिन बाद कॉलेज जा रहा हूँ 2 सेट लेकर ट्रेनिंग फॉर्म का। तो गाइज आज देखते हैं कॉलेज में क्या होता है। तो गाइज मैं यहाँ बस का इंतज़ार करता हूँ, तो बस आती नहीं है, यहाँ पर एक दोस्त आ जाता है, मैं उसी के गाड़ी में बैठ के कॉलेज आ जाता हूँ। तो गाइज मैं कॉलेज में आ जाता हूँ, देखते हैं आज मिलता है कि नहीं। तो गाइज अभी मैम के पास जा रहा हूँ स्टैम्प लेने, मैम के पास और डीन के पास, लेने के बाद फिर तुरंत जाता हूँ घर पे अप्लाई करूँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है अप्लाई करने में। चलते हैं गाइज अभी मैम के पास। तो गाइज मेरे दोनों सेट पे स्टेपलर नहीं था, तो मैं चले आता हूँ स्टोर रूम में और मैं यहाँ पे स्टेपलर लगाता हूँ, फिर उसके बाद चले आता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर अपना दोनों सेट लेके मैम के पास चले जाता हूँ, और वहाँ पे चेक कराने के बाद फिर डीन सर के पास मुझे भेजती है, और वहाँ जाने के बाद दोनों सेट पे स्टैम्प और साइन मिल गया, और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया डीन सर के पास। तो गाइज बहुत इंतज़ार करने के बाद जाके ये स्टैम्प मिला है, 5 मिनट लगा के 2-3 घंटे के बाद जाके मिला। अभी जा रहा हूँ, एक जमा करूँगा, एक जाके अप्लाई करूँगा। तो फाइनली गाइज अभी सब काम हो गया है, अभी जा रहा हूँ लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो मुस्कुराहट देख रहे हो गाइज। गाइज अभी सब काम हो चुका है, अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं, और घर पे पहुँचने के बाद तुरंत जाता हूँ लाइसेंस अप्लाई करता हूँ, देखते हैं कितने दिन के बाद लाइसेंस आता है। तो गाइस चलता हूँ अब लाइसेंस के दुकान पे, वहाँ पे मिलते हैं कैसे प्रोसेस है, क्या क्या लगता है, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस आप लोग से। फाइनली गाइस मैं रेहान भाई की दुकान पे पहुँच जाता हूँ। तो गाइस रेहान भाई को जो डॉक्यूमेंट लग रहे सब लाइसेंस अप्लाई करने में, वो सब मैं रेहान भाई को दे दिया हूँ, और मैं भी बैठ जाता हूँ, तो रेहान भाई यहाँ पर भर रहे मेरा लाइसेंस। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट वेट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा लाइसेंस हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैं 3,088 रुपया पे करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा पूरा लाइसेंस का काम हो जाता है फाइनली। तो गाइज पे करने के बाद मुझे एक स्लिप मिलता है, तो ये स्लिप कुछ इस तरह है,
और मैं ये स्लिप ले लेता हूँ और मैं अपने घर पे आ जाता हूँ। तो गाइज मैं अपने घर पे आने के बाद अपने लैपटॉप पे चेक करता हूँ MSPC वेबसाइट पे, और यहाँ पर मैं अपना ID और पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, जैसे ही लॉगिन होता है यहाँ पेंडिंग दिखाता है। 2-3 दिन के बाद देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं।